नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। अपना घर का सपना सबका होता है, लेकिन अपना घर का सपना पूरा करना आसान काम नहीं होता। मेरा जो अनुभव है कि पिछले 10 साल में जो निर्माण सामग्रियां हैं उसकी कीमत में 2 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यानी अगर पहले 1 लाख रुपया खर्च आता था मकान बनाने में, तो आज की तारीख में 2 लाख से ज़्यादा आ रहा है। बिहार में अपना घर बनाने का जो सपना है अब बहुत मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। लोगों के पसीने छूट रहे हैं घर बनाने में, फ्लैट खरीदने में। सभी तरह के निर्माण सामग्रियां, सीमेंट, स्टोन चिप्स, लोहे के साथ साथ ईंट की कीमत आसमान छू रही है। मकानों की लागत में 10% तक का इजाफा हो गया है। विक्रेताओं का कहना है कि हाल के दिनों में भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में बहुत वृद्धि हुई है। बालू को छोड़कर सभी सामग्रियों के दाम बढ़ गए हैं। वैसे बालू के दाम में तो 3 गुना बढ़ोतरी हुई है अगर 10 साल पहले से आज तुलना करें तो। लेकिन फिलहाल बालू का दाम नहीं बढ़ा है, लेकिन बालू की किल्लत लगातार हो रही है, उससे भी कामकाज प्रभावित हुआ है। अब बालू मिल रहा है तो काम शुरू हुआ है, लेकिन दूसरी सामग्रियों की कीमत बढ़ गए हैं तो बिल्डर भी परेशान हैं। जिस हिसाब से भवन निर्माण सामग्रियों की कीमतें बढ़ी हैं उससे मकानों की लागत 10% तक बढ़ गई है। और जो फ्लैट कल तक 50 लाख रुपए मिल रहा था उसकी कीमत 55 लाख रुपया हो गई है। पटना के जाने माने बिल्डर हैं संजय कुमार, उन्होंने बताया कि बालू में थोड़ी राहत है लेकिन दूसरी निर्माण सामग्रियों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। महंगाई की वजह से अपार्टमेंट का निर्माण करना मुश्किल हो गया है। बिक्री पर प्रतिकूल असर दिखाई दे रहा है। बालू की किल्लत के बाद हाल के दिनों में भवन निर्माण कार्य शुरू हुआ था और अब कीमतों में वृद्धि से काम पर असर दिख रहा है। और आप जाएंगे पटना बेली रोड पर सोना मोड़ के आसपास कोई फ्लैट लेने तो 7,000 के आसपास आपको रेट मिलेगा। 7,000 पर स्क्वायर फीट के रेट से आपको अपार्टमेंट में फ्लैट मिलेंगे। अगर बड़कायदे का अपार्टमेंट होगा तो इससे कम में नहीं मिलेगा, 7 से 8 हज़ार के बीच रेट है। लेकिन आप सोना मोड़ से दानापुर की तरफ बढ़ेंगे, देहाती इलाके में जहाँ पर बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं, वहाँ भी 6500 से लेकर 7,000 का रेट है। पहले वहाँ 5500 का रेट था, अब उसे बढ़ाकर 6,000 से 6,500 का रेट कर दिया गया है। तो 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट पहले ज़्यादा लेते थे लोग, क्योंकि उसमें पूरा परिवार एडजस्ट कर जाता था। लेकिन 3 कमरे का 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेना आप सबके बजट की बस की बात नहीं है, क्योंकि अब 1 से लेकर 1.25 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। तो ऐसे में छोटे फ्लैट्स की मांग बढ़ गई है, 2 कमरों के फ्लैट्स की मांग बढ़ गई है, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन बिल्डर तो परेशान हैं ही, सबसे ज़्यादा परेशान तो ग्राहक हैं। बिल्डर तो जो लागत आएगी उस पर कुछ कमाएगा ही, लेकिन लोग जिनका घर अपना घर का सपना है वो कैसे पूरा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दूं कि निर्माण सामग्री की कीमत में जो उछाल आया है उसका एक उदाहरण देता हूँ आपको। सीमेंट 360 रुपये से 380 रुपये बैग बिक रहा है। सरिया 62 रुपये से 70 रुपये प्रति किलो के दर से बिक रहा है। स्टोन चिप्स 8,000 से 8,500 रुपये प्रति 100 CFT के दर से बिक रहा है। 14,500 से 15,000 रुपये के रेट से 1500 ईंटें बिक रही हैं। पिछले 10 साल में निर्माण सामग्रियों के साथ साथ लेबर कॉस्ट में भी काफ़ी बढ़ोतरी आई है। 10 साल पहले राजमिस्त्री का चार्ज 200 से 250 रुपये था, लेबर का 200 रुपये था, लेकिन अब राजमिस्त्री का चार्ज 600 रुपये है और लेबर का चार्ज 400 रुपये है। तो लेबर चार्ज में तो 2 गुना बढ़ोतरी हो गई है। तो जो कॉस्ट है निर्माण का वो काफ़ी बढ़ गया है और इसी वजह से फ्लैट्स महंगे हो गए हैं। पटना में तो आपको पता ही है कि ज़मीन की कीमत आसमान छू रही है। जो ज़मीन 15 साल पहले 1 लाख रुपये इकट्ठा नहीं बिकती थी, अब 1 करोड़ रुपये भी उपलब्ध नहीं है। तो ज़मीन महंगी हुई, सामग्रियाँ महंगी हुई, निर्माण सामग्रियाँ, तो महंगाई बढ़ेगी और फ्लैट खरीदना अब सबके लिए किसी के लिए आसान काम नहीं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि नए साल में बहुत लोग चाहते होंगे कि उनका अपना घर का सपना साकार हो। तो ज़मीन तो आप खरीद नहीं सकते हैं पटना में, कीमत आसमान छू रही है, फ्लैट से ही संतोष करना पड़ेगा और फ्लैट लेने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा।